आप राशि उन्होंने मैंने अभी एक न्यूज पढ़ी कि केंद्र की तरफ से राहत राशि, केंद्र की तरफ से भी राहत राशि की पहली किस्त आना का इंतजार है और केंद्रीय टीम आज कल ही मेरे से मुलाकात की है। जब आएगी अंतरिम राहत तो हम उनको बांटेंगे। और जो पैसे बांटने की बात कह रहे हैं वो राहत नेताओं के द्वारा नहीं है, अब वो ना राहत उन लोगों को देने के लिए है जो हमने जारी की है। हमने रिलीफ मैनुअल में परिवर्तन करके कहा है कि दो राहत दो दिन के भीतर पहुंच जानी चाहिए। अब कोई नेता वहां पहुंच जाता है और अपनी फोटो खिंचवा लेता है, उसमें मैं क्या कर सकता हूं। मैंने तो डिप्टी कमिश्नर ने राहत देनी है, रसीद करवानी है और पैसे देने हैं, क्योंकि हर चीज़ का हिसाब किताब होता है, ऐसे नहीं दी जाती। तो इसका अब वो इस समय मैं जयराम जी की बातों का मैं जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि आपदा के समय मैं राजनीति नहीं करना चाहता और जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आपदा राहत कोष में आप अधिक से अधिक धन लगाएं। विधानसभा सत्र आएगा, हम बताएंगे कि हमारे आपने क्या किया है। सर, और इनसे ये भी अनुरोध करूंगा और इनसे भी ये अनुरोध करूंगा कि आप हमारे साथ पहली किस्त की राहत दिलाने के लिए मैं जब दिल्ली जाऊंगा तो ऑल पार्टी मीटिंग में हमारे साथ चलिए। सर, हरियाणा सरकार भी इस मुसीबत की घड़ी में आ गई। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने हमें 5 करोड़ रुपए की राहत राशि प्रदान की है, और एक बड़े भाई का फर्ज हरियाणा सरकार ने निभाया है। मैं व्यक्तिगत तौर से मनोहर लाल खट्टर जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें 5 करोड़ रुपया की राहत राशि हमें प्रदान की। सर, राष्ट्रीय आपदा अभी तक घोषित नहीं की गई है, आपने डिमांड भी की थी, आपको लगता है कि केंद्र को जल्दी करनी चाहिए? नहीं, उसके कुछ पैरामीटर्स होंगे। मेरे को लगता है कि केंद्रीय टीम अभी आई है तो केंद्रीय टीम उस पैरामीटर के हिसाब से स्टडी करेगी, उसके बाद से सबको कुछ पैरामीटर्स में जब आएगा तो उसके आधार पर ही वो आगे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके अतिरिक्त जी सुनो, माइक पर लगाओ भाई। मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ। अनी सर, आराम से धक्का ना दो भाई। जी सर, मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ। जो भेड़ पालक फंसे हुए थे चंद्रताल में, उनकी पहाड़ियों में, हम मनीमेज में, हमने सबको निकाला है, उनकी भेड़ों को भी निकाला है। तो जो राजनीतिक बात कर रहे हैं तो जरा उनके पास जाकर भी पूछिए कि सरकार ने किन हालात में और किस समय आपकी मदद की है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मेरा निवेदन श्री संजीव कुमार मंडलीय अग्निशमन अधिकारी जी से कि वह इस अवसर पर धन्यवाद संबोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।